बच्चियों का आज एग्ज़ाम था, तो ये एग्ज़ाम कितने दिनों के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद आपने लिए हैं? ये 2 महीने का क्लास है, वीकली 2 डेज करवाते हैं, उसके बाद ही एग्ज़ाम। अच्छा, तो आज इन लोगों का रिजल्ट होने के बाद ये लोग यहाँ से चली जाएंगी या और भी इन लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे करने के लिए? आज से जैसे इन लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, पूजा के बाद इन लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे मतलब ऑर्डर मिलता है ब्राइडल का, तो चाहेंगे कितने दिनों से ये क्लासेस जो हैं आप करवा रही हैं? मैं तो बहुत दिनों से कर रही हूँ, एचडी मेकअप पहली दफ़ा करवा रही है, बैच जो है पहली दफ़ा हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पे ब्यूटीशियन के अलावा और क्या क्या चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है? ब्यूटीशियन के अलावा सिलाई कढ़ाई पेंटिंग मेहंदी नर्सिंग सारा क्लास यहाँ पे। ये जज्बा आपको कैसे आया कि बच्चों को इस तरह का कोर्स सिखाया जाए, वो भी यहाँ पे जैसा कि लड़कियाँ बता रही थी कि बहुत कम फी में मतलब यहाँ पे बच्चियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है? जैसे मैं मुझे बचपन से शौक था कि मैं सोशल वर्क करूँ। अच्छा, तो मतलब होता है ना कि सोशल वर्क तो बहुत तरीके का, लेकिन लड़कियों को तरफ होता है कि लड़कियों को परेशानी पैदा होती है, उनको स्टैंड करना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लड़कियाँ जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हैं, इनको फैमिली कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कभी ट्रेनिंग के दौरान? का कर्म है कि अपना इतना अच्छा ये बना है कि जो भी मतलब यहाँ आंटी के नाम से ही मुझे ज़्यादातर लोग जानते हैं, और जो भी बोलती है कि कम पैसे में, और वहाँ पे मतलब उनकी मम्मी पापा बिल्कुल इत्मीनान होते हैं कि आंटी के क्लास में करें तो मतलब घर जैसा बिल्कुल ऐसे जी। ये तो बिल्कुल घर ही है, यहाँ पे ट्रेनिंग घर पे ही ट्रेनिंग दे रही है। तो ये ब्यूटिशियन के अलावा और क्या क्या कोर्स है यहाँ पे? पेंटिंग है, मेहंदी है, नर्स का ट्रेनिंग है, हाथ का पढ़ाई, कंप्यूटर सारा क्लास। कंप्यूटर अभी बंद कर दिए, फिर अभी शुरू जनवरी में साला फिर शुरू कर। अच्छा, कोरोना के दौरान कुछ ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ा? हाँ, कोरोना का टाइम बिल्कुल हम तो बिल्कुल ऑफ कर देते क्लास वगैरह, क्योंकि मतलब इस टाइम क्लास करवाना मुनासिब नहीं था। अब जैसे लड़कियाँ भी उब रही थी कि आंटी क्लास करवाइए, अब थोड़ा बहुत अच्छा मतलब अब क्लास शुरू करवाइए। आपका नाम क्या हुआ? सुल्ताना। अच्छा, आपको यहाँ पे सजाया कौन है? अच्छा, आप लोग का आज यहाँ पे मतलब किस चीज़ का प्रोग्राम था? ब्राइडल का एग्जाम। अच्छा, तो ये सजावट जो है ये आप ही किए हैं? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? रूबी साहब। कितने दिन से यहाँ पे कोर्स आप कर रही हैं? हम कर रहे हैं 2 महीना। तो ये आज आप लोगों का ये क्या था, टेस्ट था, एग्जाम था? आपका नाम क्या हुआ? रूबी साधु। अच्छा, जिसको आप सजाएं उनका नाम? आप लोग को किस लिए सजाया, किस लिए गया आपको? अच्छा, एग्जाम था। आपको किसने सजाई है यहाँ पे? दीदी आपके। अच्छा, उधर करो। ये जो आज आप दुल्हन सजाई हैं वो किस लिए? जी, आज हम लोग का ब्राइडल एग्जाम है। अच्छा, तो ये आप लोग क्या कोर्स कर रहे थे इसका? जी हाँ, हम लोग 3 महीने का कोर्स कर रहे थे। अच्छा, आप जो सजी हुई हैं आज, ये आपको सजाया किसने? रेखा दीदी ने। अच्छा, तो सजने के बाद कैसा फील, कैसा हो रहा आपको? बहुत अच्छा, मेकअप करने के बाद अच्छा ही फील होता है। अच्छा, तो नहीं नहीं ये तो एडवांस है, ज़्यादा है तो मतलब अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या हुआ? लवली। ये जो सजाया गया है दुल्हन को, तो ये आप किए हैं इस काम को, तो इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ा था? हाँ। कोर्स यहीं पे आप लोग कर रहे थे? क्या क्या सेंटर आपका क्या है? रोशन। अच्छा, रोशन। आपको ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग आप किसके अंडर में ले रही थी? सुल्ताना। अच्छा, कितने दिनों से? 2 महीने। तो आज आपको कैसा फीलिंग आ रहा है, किस तरह का? अच्छा लग रहा है, इसके आगे तो सजाएं पर उतना अच्छा नहीं, आज और अच्छा लग रहा है सजाने के बाद। इसके बाद आगे कुछ करने का प्लानिंग? हाँ, इसी लाइन में प्लान है, कहीं ऑर्डर मिलेगा तो। आपका नाम क्या हुआ? लेखा। कैसा महसूस हो रहा है आपको सच करके? बहुत अच्छा। किसने सजाया आपको? मोना मैम। अच्छा, किस लिए? आज एचडी लोग। आप भी यहाँ पे कोर्स कर रही थी? आपका नाम क्या हुआ? हम्सा।
ये जो सजाने का काम था ये आपकी है, किस लिए सजाए हैं आज इनको? अच्छा, कितने दिनों से ये क्लास कर रहे हैं? 2 महीने से। इसमें मतलब इनको सजाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट लगाना पड़ा? बहुत सारे एचडी मेकअप का प्रोडक्ट यूज करना पड़ा। आप लोगों को ट्रेनिंग जो है, जो ट्रेनिंग टीचर है आप लोगों की, तो वो किस तरह से पेश आती हैं आप लोग से? इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, आगे का प्लान क्या आपका? और प्रैक्टिस करने का जरूरत है, और करेंगे, और मेहनत करेंगे। मतलब अभी यहाँ रहने का इच्छा है आप लोग? और बोलेंगे तो और ऐसे बहुत साल से। आपका नाम क्या हुआ? मोना। दुल्हन किस लिए बनाया गया? ब्राइडल मेकअप का एग्जाम था इसलिए। अच्छा, तो यहाँ पे आप भी ट्रेनिंग करती हैं? नहीं, मेरी मासी करती है, वही हमको सजाएंगे। कौन सजाएंगे आपको? मेरी मासी रीना ठाकुर। रीना ठाकुर, कैमरा कीजिए। कितने दिन से आप ये ब्यूटीशियन का कोर्स कर रही हैं? हम बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन करने के बाद भी मतलब एक सफलता होती है ना, अभी के समय में एडवांस चाहिए, हर एक चीज़ एडवांस चाहिए, एचडी चाहिए। तो जो एचडी क्लास यहाँ पर कम समय में और कम पैसे में अवेलेबल हो चुका है, जो हम लोग कर रहे हैं, ये 12 दिन का क्लासेस है, और क्लासेस मतलब अच्छा है, चीप एंड बेस्ट है, सबको आराम, आप भी लड़की लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला कोई टीचर मौजूद है? जी, यहाँ पे मेरी मैम है, आशा मैम, जो हम लोग को मतलब ट्रेन कर रही हैं, और उनकी एक बिग सिस्टर है, वो भी हम लोग को ट्रेन कर रही हैं। अच्छा, सीखने के बाद आपको कैसा महसूस, कैसा हो रहा है जब आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसके हमको करते करते हुए हमको 2 ऑर्डर भी आ चुका है सेप्टेम्बर का। अच्छा, आपका कोर्स कम्प्लीट हो चुका है? जी सर। अब इसके बाद क्या करना है आपको? मतलब आगे, अब मतलब हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और इस लाइन में भी हैं, अगर आगे चल के मगर अगर सक्सेस हुए पढ़ाई में तो उस लाइन में भी रहेंगे, और इस लाइन के लिए अपना घर में ही अवेलेबल सारा सेंटर खोलेंगे। अच्छा, ठीक, थैंक यू। आपका नाम? रीना ठाकुर। आज आपको किस लिए सजाया गया है? आज मेकअप का एग्जाम था। अच्छा, कैसा महसूस, कैसा हो रहा है सजने के बाद? आईना में देखिए आप अपने आप को। हाँ, देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक है, अच्छी लग रही देखते में, बहुत अच्छा मेकअप लग रहा है, बंगाली लुक बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है। ये जो दुल्हन सजाई है, ये आपका काम है? ये क्या आप कोर्स कर रही थी? हाँ, यहाँ पर ब्राइडल मेकअप का कोर्स हुआ था 1 वीक का। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग किसके अंडर में ले रही थी? सुल्ताना। अच्छा, तो कितने दिन का कोर्स था? 1 महीने। इसके बाद आपका अभी जो ये कोर्स है आपका कंप्लीट हो चुका है? हाँ, आज एग्जाम था उसका, फाइनल। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, कुछ आगे का प्लानिंग? हाँ, मतलब। आपका नाम क्या हुआ? काजल। आज जो आप सजी हैं, तो ये कौन आपको सजाया? नंदिनी। सजने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा सजाई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सज। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुष्मिता बनर्जी। ये जो दुल्हन बनाई है, तो इसमें सजाने का जो काम था वो आपके हैं? हाँ जी, मेरा। कितने सालों से ये कोर्स कर रहे हैं या कितने दिनों से? नहीं, 2 महीने से सीख रहे हैं। 2 महीने से। अच्छा, कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है? हाँ, कोर्स कंप्लीट है, आज एग्जाम थे। अच्छा, सजाने में आपको क्या क्या सामान का यूज करना पड़ा, क्या क्या? सामान तो बहुत सारे लगे हैं, ज्वेलरी लगे है, प्रोडक्ट, स्किन का प्रोडक्ट लगे हैं, बहुत सारे सामान, साड़ी, सब कुछ लगे। इसके बाद आगे क्या करने का प्लान है? इसके साथ चलना है, इसको और भी प्रैक्टिस करेंगे और भी सीखेंगे, और इसके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें जो आपको सजाने में जो आपको सिखाया गया है ब्यूटीशियन के लिए, तो इसमें सबसे अहम रोल किसका था, जो आपको, जो आज आप इस काबिल बने कि किसी को सजा सकती हैं, किसी भी दुल्हन को, इसमें अहम रोल किसका था? ऑब्वियसली मैडम का ही था, मैडम तो हम लोग को सिखाए ना। अच्छा, तो आगे में हम लोग का काम है। क्या नाम है मैडम का आपका? आशा मैम, आशा है उनका नाम, तो उन्होंने सिखाए, तो आगे हम लोग का काम है कि हम लोग कितना दे पाते हैं। ट्रेनिंग यहाँ पे पर डे होता है?
हाँ जब जब भी आते हैं नहीं नहीं ए, ए, ट्रेनिंग जो है वीक में 7 डे होता है तो उसमें हाँ, 7 दिन होता है ट्रेनिंग या 2 दिन दो दिन वीकली मतलब 2 डेज। आपका नाम क्या हुआ? नंदिनी।